एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये हमारा रिलेशन कहां पर है, रिलेशन हमारा कहां है, सर इंटीजर्स ओनली, रिलेशन हमारा जेड पे, रिलेशन हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स का हमारा रिलेशन है, ठीक है, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, पहला क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, यस सर, यस, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, मान लो जेड में कोई एक एलिमेंट है एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, क्या ले ले बेटे, वन, प्रूविंग के लिए एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, नॉट प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स जेड में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एक्स क्या होगा, जीरो, और जीरो इंटीजर होता है, जिन दो एलिमेंट्स का डिफरेंस इंटीजर आता है वो आपस में एसोसिएट होते हैं, ये देखो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यहाँ पर उन एलिमेंट्स का पेयर होगा, वो एलिमेंट आपस में एसोसिएट होंगे जिनका डिफरेंस इंटीजर आता है, तो एक्स जीरो से जीरो का डिफरेंस क्या आता है, इंटीजर, ठीक है, जीरो से जीरो का, देवेश थोड़ा लैपटॉप नीचे करो, अर्जुन भी थोड़ा लैपटॉप नीचे करो, हाँ अर्जुन भी थोड़ा लैपटॉप नीचे करो, हाँ इतना नहीं करना अर्जुन, इतना नहीं करना सर, अर्जुन को आता ही नहीं नीचे करना सर, अर्जुन को आता ही नहीं कुछ करना, देखो ये है यहाँ पर देखो जरा, जीरो जीरो हो गया हमारा, जीरो जीरो से एसोसिएट होगा क्योंकि जीरो माइनस जीरो जीरो आता है जो इंटीजर है, जिन एलिमेंट्स का डिफरेंस इंटीजर आएगा वो जरूर एसोसिएट होंगे, तो जीरो से जीरो का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है तो ये एसोसिएट होंगे, दिस इंप्लाइज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, अब एक्स, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एक्स से एक्स का डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा, तो यानी कि हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होगा, तो आर क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक बताओ अर्जुन, सिमेट्रिक बताओ, सो सिमेट्रिक भी होएगा, क्यों होगा, देखो हमने मान लिया कि एक पेयर है एक्स वाई, एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, हमने मान लिया, आप अगर हम प्रूव कर पाए कि वाई एक्स आर में बिलोंग करता है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक, नहीं तो ये नॉट सिमेट्रिक, देखो एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है तो आर में तो वही एलिमेंट्स का पेयर बिलोंग करता है जिनका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर हो, तो एक्स वाई अगर आर में है तो डेफिनेटली उनका डिफरेंस कितना होगा, इंटीजर होगा, एक्स वाई डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी इंटीजर, अगर बच्चों एक्स वाई डिफरेंस है जैसे कि 2 माइनस 3 कितना आ रहा है, माइनस 1, इंटीजर आ रहा है ना 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 क्या है, 3 माइनस 2 क्या होगा, 3 माइनस 2 होगा 1, वो भी इंटीजर आएगा, अगर a माइनस b इंटीजर आता है तो b माइनस a, आप कुछ भी कोई भी नंबर लेके चेक कर लें, b माइनस a इंटीजर आएगा क्योंकि वो जस्ट उसका नेगेटिव हो जाना है और तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर a माइनस डिफरेंस b का डिफरेंस 5 आया तो b माइनस a क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, किसी भी नंबर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंटीजर उसका नेगेटिव भी इंटीजर, सो एक्स माइनस वाई इंटीजर है, दिस इंप्लाइज वाई माइनस एक्स क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा, y माइनस एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा, दिस इंप्लाइज, एक मिनट, दिस इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर वाई एक्स आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, आर इज सिमेट्रिक, हाँ देवेश बोलो, हाँ सॉरी ये अनिरुद्ध, सर जीरो पावर जीरो इंटीजर है, जीरो जीरो पावर जीरो इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसका कोई आंसर मैथमेटिशियन नहीं जानता, इसीलिए वो इंटीजर काउंट होगा क्या, क्योंकि उससे अगर नहीं होगा उसका कोई, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है वो इंटीजर कैसे, जिसका आपके स्कूल में कोई बच्चा घूम रहा है उसकी क्लास ही नहीं पता तो वो स्टूडेंट कैसे हो जाएगा, आपके स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं है, किसी को यही नहीं पता स्कूल में उसकी क्लास कौन सी है, जब उसकी कोई क्लास ही नहीं है तो वो स्टूडेंट कैसे हुआ, नहीं हुआ ना, अगर स्टूडेंट होता तो किसी ना किसी क्लास में होता ना, जब उसका पता ही नहीं है वो क्या है तो वो स्टूडेंट है ही नहीं, जब जिस नंबर का हमें पता ही नहीं कि वो क्या है तो फिर वो क्या होगा,
उसकी स्पेशल कैटेगरी क्या होगी, जिसके बारे में पता ही नहीं उसकी स्पेशल कैटेगरी क्या होगी, वो इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, कैसे बताएंगे? किसी के बारे में बताने के लिए पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जिस चीज के बारे में हमें मैथमेटिशियंस को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या है, उसकी कैटेगरी कैसे डिफाइन करेंगे, समझे? तो आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। थर्ड लेके चलते हैं बच्चों, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव के लिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई मतलब 0.0 होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट जिसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसकी क्या वैल्यू होगी ये फाइंड आउट किया ही नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे हम क्लास उसमें पढ़ते थे लिमिट्स में, 0.0 होता है इनडिटरमिनेट, मतलब आपको इसको डिटरमिन नहीं कर सकते, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका क्या आंसर आएगा नहीं निकाल सकते, ठीक है? जिसका निकाल ही नहीं सकते, जिसका पता ही नहीं है कि क्या है, उसकी कोई कैटेगरी हम नहीं बना सकते, ठीक है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, लेट एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, वाई जेड भी आर में बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब हुआ देवेश? एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा? सर एक्स माइनस वाई भी आर में बिलोंग करेगा। अच्छा, एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा? अच्छा, आर में बिलोंग करने की कंडीशन क्या है? सर इंटीजर होना चाहिए। आर में बिलोंग करने की कंडीशन है उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। अब अगर यस सर, अब अगर इस ग्रुप में बैठने की कंडीशन ये है कि वो बच्चा 12 क्लास में होना चाहिए, अगर कोई बच्चा इस ग्रुप में बैठा है इट मींस 12th क्लास का स्टूडेंट है। आर में बिलोंग करने की कंडीशन ये है कि उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, उनका डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। अब अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो इसने जरूर कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी। कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि एक्स माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर। एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, इनका डिफरेंस इंटीजर आएगा, ठीक है? वाई जेड भी आर में बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब हुआ? वाई माइनस जेड भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा, ठीक है? अनिरुद्ध, एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो इसका क्या मतलब हुआ? ये बिलोंग करता है आर में। हम इसको किसी नंबर, किसी ना किसी नंबर के इक्वल तो आएगा ना, ये एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो हमने इसको एम के इक्वल मान लिया कि वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? एम। और वाई माइनस जेड भी इंटीजर है तो वाई माइनस जेड क्या आएगा? एन। एम एन क्या है? एम एन दोनों क्या है? इंटीजर है। जैसे एक्स माइनस वाई का डिफरेंस आता है मान लो 3, वाई माइनस जेड का डिफरेंस आता है 5, तो इनका ये हो गया। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि क्या एक्स जेड आर में बिलोंग करता है, क्या एक्स जेड आर में बिलोंग करता है, हमें चेक करना है, ठीक है? अर्जुन, इतना छोटा बच्चा कौन आ गया कि आप हाथ नीचे करके उसको हाई कर रहे हो? सर मेरा डॉग घूम रहा था। अच्छा, डॉग को, मुझे लगा अर्जुन नीचे की तरफ हाई कर रहे हैं तो कोई छोटा बच्चा ही होगा। एक्स माइनस वाई इज एम एंड वाई माइनस जेड इज इक्वल टू दिस, ऑल राइट। तो एक्स माइनस जेड को चेक करते हैं, एक्स माइनस जेड क्या आएगा बताओ, कैसे लिखेंगे इसको? क्या इसको x माइनस वाई प्लस वाई लिख सकते हैं और z एज इट इज, ठीक है? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये कितना हो गया? x माइनस वाई बताओ क्या होगा? x माइनस वाई इंटीजर होगा। x माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर। और x वाई माइनस वाई को तो हम मान चुके हैं वो m के इक्वल है, सो इट इज m। और y माइनस जेड क्या है? ऑलरेडी वी कंसिडर कर चुके हैं कि ये n होगा, m, ये m n होगा। अब बच्चों m और n इंटीजर है, मान लिया m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है? माइनस 5, तो m प्लस n क्या आएगा? माइनस थ्री। ये भी तो इंटीजर होता है। m की वैल्यू आपकी मान लो 7 है, n की वैल्यू आपकी कितनी है? 2 है, m माइनस n कितना आ गया? 5। ये भी तो इंटीजर है। दो इंटीजर्स को जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा, एग्जाम्पल जब जो मर्जी लेके देख सकते हो, दो इंटीजर्स को जोड़ोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो m प्लस एन क्या आएगा? m प्लस वन कोई इंटीजर आएगा, उसको p मान दिया हमने, जो m प्लस एन की जो वैल्यू आई उसको p मान लिया क्योंकि वो इंटीजर है। तो x माइनस जेड का डिफरेंस क्या आ गया? x माइनस जेड का डिफरेंस आ गया इंटीजर,
x माइनस जेड का डिफरेंस क्या आया, इंटीजर आ गया, x माइनस जेड इंटीजर आ गया. दिस इंप्लाइज x माइनस जेड अगर इंटीजर है तो इसका क्या मतलब हुआ, x और z का डिफरेंस इंटीजर है और जो दो इंटीजर जिनका डिफरेंस इंटीजर आता है उनका पेयर R में बिलोंग करता है. उनका पेयर कहाँ बिलोंग करता है, R में. इन दोनों का x और z का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है तो x और z R में बिलोंग करने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो R में, उनका पेयर R में बिलोंग करेगा. x एंड z R में बिलोंग करने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनका पेयर R में बिलोंग करेगा. मतलब यहां पर x है यहां पर z है, ये दोनों एसोसिएट होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों एसोसिएट होंगे, x z से एसोसिएट होगा, राइट. देखो हम क्या लेके चले थे, एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, वाई जेड आर में बिलोंग करता है. हमने प्रूव कर दिया कि एक्स जेड भी आर में बिलोंग करता है. ऐसा अगर हो तो रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव. आर कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है. और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अनिरुद्ध उसका नाम क्या होता है, इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को क्या कहा जाता है अर्जुन, इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है. ये एक रिलेशन है ई, आर हैज सेकंड फिफ्थ का ई, आर हैज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई. क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, निवेश गर्दन ले जा रहा है, होगा. खुद का फादर नहीं हो सकता, खुद का फादर हो ही नहीं सकता. हाँ, एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, तो एक्स एक्स से एसोसिएट नहीं हो सकता. एक्स एक्स कैन नॉट बिलोंग्स टू आर. सेकेंड, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. सेकेंड हमने मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई. दिस इंप्लाइज एक्स इज फादर ऑफ वाई. बट अब अगर एक्स फादर है तो वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, ठीक है. वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता तो वाई एक्स एसोसिएट नहीं हो सकते, वाई एक्स कैन नॉट बिलोंग्स टू आर. थर्ड पार्ट, क्या ट्रांजिटिव होगा, क्या ट्रांजिटिव होगा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं. If xy belongs to R, let xy belongs to R. Yz belongs to R. xy R में belong करता है, इसका मतलब x is father of y. सर तो वो grandfather हो जाएगा फिर. हाँ, वो grandfather होगा. उनके बीच में x और z के बीच में सर grandfather का relation आएगा. Y is father of x. Father of z, sorry. Y is father of z. जेड का फादर कौन है, वाई. वाई का फादर कौन है, एक्स. तो जेड के लिए एक्स क्या हो गया, ग्रैंडफादर, ठीक है. सो एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ. इतना क्यों हंस रहे भाई, इंप्लाइज एक्स जेड कैन नॉट बिलोंग्स टू आर. देवेश की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है. एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, क्या करे सर. सर काफी कंफ्यूजिंग फैमिली है, कोई किसी का पापा है, कोई किसी का दादा है, सर पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या. एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, इट मींस एक्स कैन नॉट एसोसिएट विद आर. एक्स तो एक्स जेड आर में बिलोंग नहीं करेगा, इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव.
हार्ड ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है चलें आगे। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। अनिरुद्ध आप तैयारी कर रहे हो? हाँ सर। कैसे, सारे चैप्टर रिवाइज कर लिया आपने? सर रिलेशंस करा था, यही सेम वाला ट्रांजिटिव सिमेट्रिक वाला किया एंड डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी कर लिया। बस इतना ही है? आंसर डिफरेंशिएबिलिटी, वो लॉगरिथमिक क्या, पैरामीट्रिक क्या, सेकंड ऑर्डर करना। ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, आर एज ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? शो दैट रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है, रिलेशन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। सर नहीं होगा, सो 1/2 ले लो, 1/2 ले ले, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है रिलेशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, सेट ए और बी दोनों रियल नंबर है, ठीक है, तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर, 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर, लेकिन इस रिलेशन में बिलोंग करने की कंडीशन यह है कि ए बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पर तो हमारा ए, ए हमारा क्या है 1/2, बी क्या है हमारा बी भी 1/2, तो यहां पर तो ए बी स्क्वायर से छोटा नहीं है, क्योंकि ए 1/2 है, बी स्क्वायर कितना आएगा 1/4, 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है, सो 1/2 इज नॉट स्मॉलर देन 1/4, सो ए इज नॉट लेस देन बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 1/2 does not belongs to R, ठीक है, implies R is not reflexive, R reflexive नहीं। Second part, symmetric, symmetric, symmetricity में क्या होगा, symmetric कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर बिलोंग करना चाहिए और y x बिलोंग करना चाहिए। एक बात बताओ, 1,2 बिलोंग्स टू r, क्यों बिलोंग करता है, एज एज 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 1,2 r में बिलोंग करता है, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 2 स्क्वायर से छोटा होता है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्यों नहीं बिलोंग करेगा अर्जुन, ये दिवेश कहाँ चला गया? सर बिकॉज़ 2 स्क्वायर 1 से छोटा नहीं होता, बिकॉज़ 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर से छोटा नहीं होता, दिस इंप्लाइज 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, इंप्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, आर सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड पार्ट, 1,2 आर में बिलोंग करता है दिवेश, 2,1 आर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, सर आप 1/2 एंड 1/4 के साथ हो सकते हैं, 1/4 एंड 1/2
ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए लेस देन बी स्क्वायर होना चाहिए, बी लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए, है ना, एंड फिर हमें दिखाना है कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये तीन कंडीशन कोई नंबर सेटिस्फाई कर देते हैं, सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना होगा, और ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करने के लिए ए शुड बी लेस देन बी स्क्वायर, बी शुड बी लेस देन सी स्क्वायर एंड ए शुड नॉट बी लेस देन सी स्क्वायर, ये दिखाना होगा। ट्रांजिटिव अगर है तो ये शो करना होगा, ट्रांजिटिव नहीं है तो ये शो करना होगा। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? नहीं है तो एग्जांपल देना पड़ेगा सर। एग्जांपल रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो एग्जांपल देना होगा सर। ले लो एग्जांपल। क्या रिलेशन है ट्रांजिटिव देवेश? हाँ यस सर, मैं बोल रहा हूँ सर। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2, 3, 5 और फिर उसको। सर ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, एग्जांपल दो। फिर नहीं है तो 1/4, 1/2 एंड उसके बाद 1/2 और 1/2 के साथ कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। 1/3 ले लो। 1/3 बट 1/3 और 1/4 नहीं है। नहीं गलत एग्जांपल है, क्योंकि वहां अगर ये लेते हैं तो बी इज लेस देन सी स्क्वायर नहीं बनेगा ना। ये तो याद रख लो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। एग्जाम्पल देना मैं आपको सिखाता हूँ एग्जाम्पल कैसे दूंगा। अर्जुन कहाँ चला गया? अर्जुन यस सर, मैं बस फ्रूट खा रहा था इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया। हम अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो हम कैमरे में से तो छीन लेंगे कैमरा ऑन करके खाओगे तो। सर ये चाहता नहीं कि हम इसे खाते हुए देखें, इसको लगेगा इसका खाना छीन। अर्जुन अगर कैमरा ऑन करके खाओगे तो हम छीन लेंगे, या ये हो सकता है भाई हम फ्रूट खाते ही नहीं है तो अर्जुन को लग रहा है कि यार कोई फ्रूट खाता नहीं है तो मैं खाता हुआ थोड़ा अजीब लगूंगा। हैं ऐसा तो नहीं अर्जुन, हम खाना वाना खाते ही नहीं है, जैसे खाना तो सभी खाते हैं ना आप। सर डाइटिंग पे है ना इसलिए पतला हो गया, फ्रूट खाते हैं। खाने के लिए कैमरा ऊपर नहीं किया जाता, खाना तो सभी खाते हैं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां भी तो सबके सामने बैठ के खाते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? खाओ। ए इज लेस देन बी स्क्वायर, बी इज लेस देन सी स्क्वायर, ए इज लेस, ये ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी ये श्योर है अर्जुन हम छीनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। ए इज लेस देन बी स्क्वायर, बी इज लेस देन सी स्क्वायर एंड ए इज लेस देन, ए इज नॉट लेस देन सी स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा किया करो, जैसे पहले हम लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ऐसा होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए होना चाहिए बी स्क्वायर से छोटा, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी होना चाहिए सी स्क्वायर से छोटा, फिर हमें प्रूव करना है कि ए